सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? और भाई, मार्केट में ना रगड़ स्मार्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और इसी बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई रगड़ स्मार्ट वॉच, जो कि है फायरबोल्ट की तरफ से, फायरबोल्ट शार्क। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले इसी स्मार्ट वॉच के बारे में, देखते क्या क्या फीचर्स अपने साथ में ये लेकर आती है एंड कितनी रगड़ है ये वाली स्मार्ट वॉच, वो भी हम ट्राई करने वाले है। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं इस वाली स्मार्ट वॉच के बॉक्स कंटेंट के बारे में, देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ प्रोवाइड करवाया गया है। तो भाई, अगर हम बात करते हैं बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स के फ्रंट साइड पर आपको पहली झलक दिखाई गई है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, तो 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड, SPU2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स को मेंशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में, तो यहाँ पर भी डिस्प्ले साइज, बैटरी बैकअप एंड रेजोल्यूशन को मेंशन किया गया। बाकी बात करते हैं बैक साइड के बारे में, तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, इनके बारे में हम आगे फर्दर बात करने वाले हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद हमारे पास मेन स्मार्ट वॉच आ चुकी थी एंड इसे हम फिलहाल साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड करवाई गई एक चार्जिंग केबल, जो कि आपको मैग्नेटिक देखने के लिए मिल जाती है एंड साथ में मिल जाती है काफी सारा पेपर वर्क। बाकी बात करते हैं मेन स्मार्ट वॉच के बारे में, तो पहले हम जरा इसे अनरैप कर लेते हैं एंड ये है इस स्मार्ट वॉच की फर्स्ट लुक। अगर हम बात करते हैं भाई फर्स्ट लुक के बारे में, तो इन हैंड काफी अच्छी फील ये प्रोवाइड करवा रही थी। फटाफट से स्विच ऑन कर लेते हैं एंड बात करते हैं जरा इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 1.83 इंच की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ओवरऑल काफी अच्छा साइज है रगड़ स्मार्ट वॉच के हिसाब से। बाकी बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको बिल्कुल प्लेन देखने के लिए मिल जाती है, एक्सेप्ट आपको यहाँ पर एक स्पीकर प्रोवाइड करवाया गया है बॉटम साइड पर। अगर हम बात करते हैं ना भाई बैक साइड के बारे में, तो बैक साइड पर जो डिजाइन है ना, वो आपको मैट फिनिश के साथ देखने के लिए मिल जाता है, काफी बल्कि सा डिजाइन आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको दो बटन देखने के लिए मिल जाती है, पहला है पावर ऑन ऑफ एंड सेकंड बटन है हमारे पास एक्शन बटन, जो कि डेडिकेटेड आपको स्पोर्ट्स मोड के लिए देखने के लिए मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो स्मार्ट वॉच के चारों ही कॉर्नर्स में आपको स्क्रूज देखने के लिए मिल जाती है, यानी जो पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आपको चार स्क्रूज का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में, तो स्टेप्स की क्वालिटी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है भाई, पर्सनली मेरे को काफी अच्छी लगी है। एंड ओवरऑल जो इसकी बिल्ड है ना भाई, वो जो रगड़ इन्होंने थीम दी है ना, उसको डेफिनेटली यहाँ पर डिफाइन कर रही है, क्योंकि काफी बल्कि सी बिल्ड आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके UI के बारे में, तो ऊपर से स्लाइड करने पर आपका कंट्रोल पैनल निकल कर आ जाएगा, जहाँ से आप काफी सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से सेटिंग में जाकर ब्राइटनेस स्विच कर सकते हो, आप मेनू स्टाइल स्विच कर सकते हो, आपको वॉच फेसेस स्विच करने हैं तो वो भी आप काफी आराम से कर पाओ, और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप DND लगा सकते हो, साथ में वाइब्रेट वगैरह आपको ऑन करना है, तो वो सब फीचर्स आप ऊपर से स्लाइड कर सिंपली यूज कर पाओगे। एंड अगर हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल के बारे में, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स है आप अपने हिसाब से यूज कर पाओगे। बाकी नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर आपको नोटिफिकेशंस का पैनल देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट साइड से स्लाइड करने पर आपको शॉर्टकट मेनू वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे आप काफी सारे एप्लीकेशंस को यूज कर पाओगे। बाकी राइट हैंड साइड से स्लाइड करने पर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी आप जो डेली वर्कआउट वगैरह करोगे वो सब आप यहाँ से ट्रैक कर पाओ। बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो भाई काफी सारी एप्लीकेशंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अब एक एक कर अगर मैं आपको बताता हूँ, तो आपको उसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ BPM मॉनिटर, HR मॉनिटर और काफी सारे स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड करवाई गई आपको, जिनके आप डेली लाइफ में यूज कर काफी हेल्दी एंड फिट यहाँ पर रह सकते हो। अगर आप देखोगे मैं जैसे स्लाइड कर रहा हूँ, तो जो डिस्प्ले का रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे वेदर अपडेट्स, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर पाओगे। ओवरऑल जो स्मार्ट वॉच के फीचर्स है वो मेरे को काफी अच्छे लगे, एंड ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई, एंड यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यानी अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसके साथ साथ आपको उसमें 3 इनबिल्ड गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तीनों ही गेम्स काफी स्मूथली वर्क करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में बैठकर आराम से टाइम पास कर पाओगे। एंड जो टच रिस्पॉन्स है वो गेम के दौरान भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी जिटर कोई भी लैग हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी जो तीनों गेम्स है वो काफी स्मूथली वर्क करते हैं, मैंने तीनों ही गेम खेल कर ट्राई करे थे, मेरे को तीनों ही काफी स्मूथ फील हुए। बाकी एट देन अगर मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से आप काफी सारे फीचर्स को यूज कर पाओगे। यहाँ जैसे आपको वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको मैक एड्रेस वगैरह या फिर मॉडल नेम वगैरह मिल जाएगा, अगर आपको चेकआउट करना हो कभी तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर QR कोड प्रोवाइड करवाया गया है, जिसे आप स्कैन कर इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है DAFIT, वो आप प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर लेना। बाकी ओवरऑल जो मेरे को स्मार्ट वॉच लगी है, पर्सनली काफी अच्छा पैकेज है। करंट में जो उसकी प्राइसिंग है वो 1500 से 1600 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाती है, एंड इस प्राइस सेगमेंट पे मैं कहूंगा क्वाइट काफी अच्छी स्मार्ट वॉच आपको देखने के लिए मिल जाती है। रगड़ की फॉर्म एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करने का आपको शौक है, या फिर आप एक फिटनेस गाइड हो या फिर फिटनेस फ्रीक हो, तो ये वाली स्मार्ट वॉच आपके लिए काफी अच्छी
अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस वाली स्मार्ट वॉच की मैं कोशिश करूंगा बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की, जैसा आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही था इस वाली स्मार्ट वॉच के बारे में। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वाली बात के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट प्रेस जरूर से कर देना, क्योंकि भाई हम 60,000 के बहुत ही ज्यादा करीब है। बाकी तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्मार्ट वॉच के साथ में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको पर्सनली ये वाली स्मार्ट वॉच कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।